इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम दो चरों वाले फलनों के संदर्भ में चर्चा करेंगे और दो चरों वाले फलन के अधिकतम मूल्य मैक्सिमा, न्यूनतम मूल्य मिनिमा, और एक और नया टर्म आपके सामने आएगा, सैडल पॉइंट, काठी बिंदु जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक चर वाले फलनों के संदर्भ में अधिकतम और न्यूनतम और नत्य परिवर्तन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर चर्चा की है। जब फलन कोई भी चर दो या दो से अधिक चरों से निर्धारित होता है, वैसी स्थिति में जो चित्र बनते हैं, अगर दो चर हैं तो थ्री डायमेंशनल डायग्राम बनता है, जो बनाने में थोड़ी असुविधा होती है, समझने में भी असुविधा होती है। और वैसी स्थिति में जो उनका बीजगणितीय रूप समीकरण के रूप में होता फंक्शन का, उसके माध्यम से इसे हल करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन उसके पहले हम जरूर ये देख लें कि जब कोई भी दो चरों से संबंधित होता है कोई फलन, तो उसमें अधिकतम और न्यूनतम की स्थितियां किस तरह की होती हैं। ऐसी स्थिति में एक वक्र से हम इसे नहीं बता पाते, क्योंकि इसमें दो डायमेंशंस होते हैं, हम कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। और वैसी स्थितियों में जब हम अधिकतम की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा आकार लेगा जो जिस प्रकार से चोटियां होती है, जैसे हमारे बाउल होते हैं, कटोरे होते हैं ऊंचे, तो सरफेस पर उस कुछ लंबाई कुछ चौड़ाई कवर करेगा और ऊंचाई जितनी ऊंची होगी उसके हिसाब से हम उसकी अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू को देखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हमने संयोग केवल चित्र इसलिए बनाया है ताकि आप ये देख लें कि इस तरह से उच्चतम और इस तरह से न्यूनतम होता है। यहाँ पर एक चित्र देखिए, ये है, इसमें तीन डायमेंशन बनते हैं। इसको जब हम लोग एक तरह से आर्ट की तरह से फॉर्म करते हैं और एक कटोरा या बाउल या एक पहाड़ी या कुछ ऐसी चीज बन जाए जिसमें तीन आकार हों, तो वो समझना ज़्यादा आसान होता है। और इसमें आप देखें, एक एक इस तरह से होगा और एक दूसरी स्थिति जो है, एक इस तरह की ऊंचाई होगी, एक इस तरह की ऊंचाई होगी, तो उसमें एक ऐसे लंबाई होगी, एक ऐसे होगी, तो इस प्रकार से एक एक्स होगा, एक वाई होगा और ऊंचाई जो होगी वो जेड होगी। तो उस रूप में ये अधिकतम की स्थितियां ऐसे बनेगी, और जिस बिंदु पर यह अधिकतम स्थिति होगी उस पर एक्स वाला, अगर केवल एक कर्व बनाते हैं हम एक्स का, तो उस पर भी एक जो स्ट्रेट लाइन स्पर्श करेगी और चौड़ाई पर भी। तो इस प्रकार से देखें, एक अक्ष पर यह स्पर्श करता है, दूसरे अक्ष पर यह स्पर्श करता है, तो इस प्रकार से यह अधिकतम का बिंदु होगा है। और अधिकतम के बिंदु पर हम लोग जानते हैं कि dy dx का मान या उस पर खींची गई स्पर्श रेखा आधार के समानांतर होती है, जो स्लोप विहीन होती है, अर्थात dy dx का मान उस पर शून्य होता है। न्यूनतम की स्थितियां को हम यहाँ देख सकते हैं, उसी चीज को अगर हम उलट दें तो इसका जो आकार ले रही है उसमें सबसे नीचे का तल यहाँ है, तो ये न्यूनतम की स्थिति है। और ये किस लंबाई और चौड़ाई या किस x और y के मूल्य पर है, ये इसे देखा जा सकता है। एक और स्थिति होती है जिसमें अधिकतम भी दिखता है, न्यूनतम भी दिखता है, लेकिन न वो अधिकतम होता है न वो न्यूनतम होता है, और वैसी स्थितियों को हम सैडिल कहते हैं। सैडिल आप सब ने देखा होगा, ऊंट के पीठ के ऊपर जब सामान लादना होता है तो एक ऐसी चीज लकड़ी की बना के रखी जाती है जिसको हम सैडिल या काठी कहते हैं। उसमें क्योंकि नीचे बीच में
ऊंट के एक वो कुबड़ सा उठा होता है, उस पर सामान नहीं रख पाते, तो इस तरह से बैलेंस करते हैं कि आगे फंसाते हैं उसमें तो बीच का हिस्सा दबा होता है और आगे उठा होता है, पीछे उठा होता है। देखिए ये आकार बनाया हमने, को यहाँ पर ये आगे जो ये काठी का ये हिस्सा है और ऐसे हिस्सा पीछे भी होगा, लेकिन बीच का हिस्सा जो है ऐसे होगा, लेकिन तल दोनों तरफ इसमें भी होंगे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर देखोगे तो ऐसे लगेगा ये तो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा यहाँ इस बिंदु पर है, और जब इधर से देखेंगे तो लगेगा ये नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर से ऐसे झुकेगा और नीचे से ऐसे जाएगा, ऊपर से ऐसे जाएगा, आगे जाके थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, तो उच्चतम बिंदु तो ये हो गया, न्यूनतम बिंदु कहीं नीचे आएगा। लेकिन ये लग रहा है इस तरह से, तो ये जो पॉइंट होता है इसको सैडल पॉइंट कहते हैं। ये जो काठी के बीच का बिंदु है, इस तरह से देखें तो ये ऊंचाई पर है, और इस तरह से देखें तो ये गहरे में गर्त में दिखता है। तो ये जो पॉइंट है ये सैडल पॉइंट है, यहाँ भी ये दो चरों से बनेगा। तो इस तरह से दो चरों का जब हम अध्ययन करते हैं तो जो चरम मान है, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, उनको तीन रूपों में हम देखते हैं, एक अधिकतम की स्थिति मैक्सिमा की, एक मिनिमम की स्थिति और एक सैडल पॉइंट की स्थिति। और इनको कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसके लिए जो मैथमेटिकल तरीके हैं वो हम एक तरह से अभी इस स्थिति में नहीं है कि उनकी गणितीय व्याख्या को बहुत अच्छी तरह समझ पाएं, लेकिन जिन शर्तों का पालन इन्हीं स्थितियों में होता है उन शर्तों को हम याद कर सकते हैं, और उन शर्तों के आधार पर दिए हुए फलन में अधिकतम न्यूनतम और सैडल पॉइंट की स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम उन शर्तों को आपको बता दें और उसके बाद फिर हम एक उदाहरण देके उसको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि जब दो फलन हैं, दो चरों वाले फलन हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ हमको अवकलन की जब जरूरत पड़ेगी तो हमको दो चरों से संबंधित सारे अवकलज ज्ञात करने होंगे, डेरिवेटिव्स ज्ञात करने होंगे, प्रथम कोट के भी, द्वितीय कोट की भी। इसके पहले आप पढ़ भी चुके हैं और हमारे इस चैनल पर भी वीडियोज हैं जिसमें अवकलन करने की क्रियाओं का वर्णन है, और उसमें प्रथम और द्वितीय सारे अवकलन निकालने भी बताए गए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यदि आप पहले से जानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इसको निकालते हैं तो हमें जो फलन दिया होता है उसमें जो स्वतंत्र चर होते हैं वो दो होते हैं, और अगर हम मान लें कि ये स्वतंत्र चर x और y हैं और जो चर इनसे निर्धारित होता है वो z है, तो फलन को ऐसे लिख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z x y। तो ऐसे स्थिति में हमें जो काम करना है वो ये है कि इस फंक्शन का पहले हमको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेना है x के रिफरेंस में, और y मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव प्राप्त करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। और जब x के संदर्भ में अवकलन करेंगे तो y को नहीं करेंगे, इस नाते हमको यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है। x y को स्थिर मान के x का अवकलन करते हैं, x को स्थिर मान के y का अवकलन करते हैं, और इस प्रकार से हम आंशिक अवकलन ज्ञात करते हैं दोनों का अलग अलग, और हम इसको लिखते हैं डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसे निकालते हैं डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई। और मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सॉरी और सैडल पॉइंट, तीनों के लिए इस शर्त का पालन होना जरूरी है, अर्थात प्रथम जो आंशिक अवकलन है एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष, उनके मान शून्य होंगे, तभी जाके कोई भी फलन का किसी भी x और y के किसी मान पर फलन अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा या सैडल पॉइंट होगा। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो ये नहीं होगा, इस नाते ये शर्त आवश्यक है और इसका पालन हम करेंगे। फिर हमको निकालना होता है द्वितीय आंशिक अवकलज दोनों के, इसका मतलब एक बार जो x का अवकलन हमने किया है पार्शियल, उसका एक बार फिर अवकलन करेंगे और तब ये आएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह से
वाई का अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर आएगा, ये द्वितीय कोटि का अवकलन होगा। और एक शर्त न्यूनतम और अधिकतम दोनों के लिए लागू होगी और ये होगी। और एक और अवकलन हम लोग करते हैं कि पहली बार x के सापेक्ष अवकलन करें, अगली बार y के सापेक्ष अवकलन कर दें, या इसका उल्टा कर दें, पहली बार y के सापेक्ष अवकलन करें और दूसरी बार जो x के सापेक्ष अवकलन करें। दोनों को हम कहते हैं क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। तो और दोनों का मान सदैव एक ही होता है, तो चाहे आप x का अवकलन करके फिर दोबारा एक बार x का करिए, अगली बार y का, तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा स्क्वायर जेड स्क्वायर जो है दो बार अवकलन की दिखाता है, और नीचे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, मतलब हमने एक्स का अवकलन किया अगली बार वाई का किया है, तो ये भी द्वितीय अवकलज होगा। और एक शर्त ये पूरी होनी चाहिए न्यूनतम अधिकतम दोनों के लिए कि द्वितीय अवकलज जो एक्स का हमने निकाला है, द्वितीय अवकलज जो वाई का निकाला उसका गुणा कर दें, और ये जो आंशिक अवकलज निकाले हैं सो वाई के द्वितीय इनका स्क्वायर कर दें, और ये पहले वाला मान इससे ज़्यादा हो जाए अर्थात ग्रेटर देन हो जाए इससे, ये बड़ा हो ये छोटा हो, और या दोनों के अंतर शून्य से अधिक आ जाए धनात्मक, तो ये अधिकतम और न्यूनतम दोनों के लिए आवश्यक है, इस शर्त का भी पालन होना चाहिए। और एक अब एक शर्त जो मैक्सिमा के लिए अलग है और मिनिमा के लिए अलग है, वो ये है कि द्वितीय अवकलज के मान अगर दोनों मान y के सापेक्ष भी x के सापेक्ष शून्य से कम है, देखिए उल्टा है, शून्य से कम है तो मैक्सिमा होगा, और यही मान अगर शून्य से ये ज्यादा है, गलत नहीं उठा है, दोनों मान देखिए यहां लिखा ग्रेटर देन जीरो और ये भी ग्रेटर देन जीरो हो, तो दोनों मान अगर शून्य से अधिक हो तो मिनिमम होगा, दोनों मान अगर शून्य से कम हो तो मैक्सिमम होगा, और ये शर्त तो दोनों के लिए आवश्यक है। और सैडल पॉइंट के लिए ये शर्त बदल जाती है, यही वाली शर्त, बीच के शर्त की जरूरत सैडल पॉइंट के लिए नहीं है, ये शर्त पहले लागू होगी डी वाई डी एक्स और डेल्टा यह प्रथम अवकलज दोनों जीरो हों, और ये जो शर्त है इसमें ये स्क्वायर वाली कि ये सेकंड डेरिवेटिव का गुणनफल दोनों का इसके जो है ये ग्रेटर देन हो, अगर ये लेस देन हो जाए तो सैडल पॉइंट होगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये शर्तें हैं और इन शर्तों के आधार पर इसको आप ये बता दिया, अभी मैं बार बार फिर बताऊंगा, इतना तो जल्दी कर रहा हूँ ताकि एक सवाल कम से कम हम इस पर लगाने की स्थिति में हूँ। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न लिख रहे हैं जिसको हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सवाल जो है प्रश्न जो है वो ये है, देखिए जेड इज इक्वल टू एक्स का पावर थ्री, आसान सवाल लिख रहे हैं ताकि पहली बार में हम इसको लगा ले जाएं, वाई का ये पावर थ्री, वाई क्यूब है एक्स क्यूब है और माइनस थ्री एक्स है और माइनस 27 वाई है और प्लस 24 है, ये फलन है जिसमें एक्स और वाई दो चर हैं और ये जेड इन पर निर्भर है, और इनमें हमको ज्ञात करना है कि फलन अधिकतम कब है न्यूनतम कब है, एक्स और वाई के किन किन मूल्यों पर फलन अधिकतम है किन मूल्यों पर फलन न्यूनतम है। और हमने कहा कि हमारी पहली शर्त ये होगी कि ये प्रथम अवकलज का जो मान है अर्थात ये आंशिक अवकलन जब हम जेड का निकालेंगे तो डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स लिखेंगे, और ये निकालेंगे तो हम इसका अवकलन करेंगे संयोग से, कोई ऐसा चर नहीं जिसमें एक्स वाई दोनों हो, इस नाते जहाँ जहाँ वाई है वो कांस्टेंट माना जाता है आंशिक अवकलज में, वो शून्य हो जाएगा, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अवकलन हम कर दे रहे हैं, ये अवकलन होगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये जीरो होगा, ये होगा माइनस थ्री, ये जीरो ये जीरो, ये कांस्टेंट है ही है और ये कांस्टेंट माना जा रहा है वाई को। और अब ये कहते हैं कि इन्हीं के मान को हमको जीरो करना है तो ये बराबर जीरो होना चाहिए इसी तरह से, और अगर हम जीरो यहीं कर दें यदि इस बराबर जीरो तो ये देखिएगा थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, फिर आप कहेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और जब एक्स का मान मानेंगे तो एक आएगा धन एक, एक आएगा ऋण एक, दो मान एक्स के हमको मिल गए इस पहली शर्त से। और यही शर्त वाई के बारे में भी लागू होगी,
डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू, और अब की बार ये जीरो, ये होगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस 27, ये जीरो बराबर जीरो, और जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे यहाँ लिखते हैं थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27, तीन से इधर भाग हो जाएगा, नौ हो जाएगा, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वाई इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 3। तो ये दो मान हमको मिल गए, और इस तरह से अब हमारे पास जानते हैं कितना हो गए, हमारे पास अब चार जोड़े बनेंगे, अर्थात हो सकता है कि एक कॉम्बिनेशन हो x का मान कितना हो 1 और y का मान हो 3, हो सकता है x का मान हो 1 और y का मान हो -3, ये हो सकता है कि x का मान -1 हो और इसका मान 3 हो, और हो सकता है कि इसका मान -1 हो, इसका मान -3 हो। तो इस प्रकार से हमारे पास चार कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं एक्स वाई के, जिनके बारे में हमें पता करना है कि इनके किन मूल्यों पर फलन के मान अधिकतम है, न्यूनतम है या सैडल पॉइंट है। तो ये हम मिटा रहे हैं, ये आप नोट कर लेंगे पढ़ते समय, फिर मिट गया है, पहले रहेगा आपके बोर्ड पर, वैसे हम बीच बीच में आपको बार बार बताते चल रहे हैं। ये देखिए, अब हम एक पॉइंट ले रहे हैं कि मान लीजिए x का मान है 1 और y का मान है 3, लेकिन इसके पहले जरा हम हल कर लें ये मान, डेल्टा z स्क्वायर अपॉन डेल्टा x स्क्वायर, इसका मतलब है x के सापेक्ष हम x का द्वितीय अवकलन निकालें। ये देखिए, एक बार x के सापेक्ष ये आंशिक अवकलन हुआ है, इसी को x के सापेक्ष हम फिर अवकलन कर दें, तो इसको ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6x, ये आ गया 6x। और इसी तरह से अगर आप डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई निकाल लें, तो ये देखिए यहाँ है 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6y, ये मान आ गए। और एक मान हमको और जरूरत है, और वो है डी स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। तो जब डेल्टा, ये देखिए एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन हुआ है, अब की बार वाई के सापेक्ष होना है, इस फलन में वाई है नहीं, इस नाते ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये मान जीरो हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि जो हमने वहां सूत्र फलन लिखे थे उसमें एक और पॉइंट, एक और चीज आती है, और वो है डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा स्क्वायर वाई, और इन दोनों का गुणनफल, और गुणनफल करके जितना आएगा, और इसी प्रकार से एक टर्म ये आएगा डेल्टा स्क्वायर वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये भी द्वितीय अवकलज है, और इसमें हमने कहा था कि ये बड़ा है ये छोटा होना चाहिए, तो इन दोनों का गुणनफल करके और इसका निकाल के हम तुलना कर लेंगे, तो ये टर्म भी आएगा और जो इसी सबसे निकल जाएगा। तो अब पहला हम लेते हैं कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 3, वैसी स्थिति में इस फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम कब होगा, और हम अब तक तो देख चुके हैं कि डेल्टा एक्स ये अपान डेल्टा मतलब डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई के ये मान हैं, और इन मानों को आप निकाल लीजिए, ये शून्य जब हैं तभी ये मान आए हैं, इस नाते इन्हें निकालने की नहीं जरूरत है, लेकिन ये निकालने की जरूरत है डेल्टा स्क्वायर जेड अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये मान यहाँ है 6x, और x की जगह पर 1 लिखेंगे तो ये आएगा 6। इसी प्रकार से डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई, और जब आप y की जगह पर 3 लिखेंगे तो आएगा 18। तो ये मान हमको मिल गए हैं,
वैसे स्थिति में अधिकतम के लिए जो शर्त है वो है कि पहले दोनों अवकल शून्य हो, वो तो शून्य ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और दूसरे ये अवकलज और ये अवकलज इनके जो द्वितीय अवकलज के मान हैं ये शून्य से ज्यादा हो, एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई ये दोनों जो हैं ये जब शून्य से ज्यादा होंगे तो फलन का मान जो है मिनिमम होता है, ये अधिकतम होने ये दोनों मान अगर धनात्मक आ जाएं तो फलन मिनिमम होता है, लेकिन फलन मिनिमम होने के लिए एक तीसरी शर्त है और इसका पालन होना जरूरी है, और ये जब हम लिखेंगे तो ये देखिए क्या है, इसकी जगह पर अगर आप लिखेंगे तो ये है सिक्स, मतलब अगर वही चीज लिखनी जाए और आपको सरल बता दें, सरल भाषा में हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको एफ एक्स एक्स लिखते हैं, अर्थात फलन का एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन, एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन, फलन का एक बार वाई के अवकलन फिर वाई के सापेक्ष अवकलन, फलन को पहली बार एक्स के सापेक्ष दूसरी बार वाई के या इसका उल्टा, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स एक्स देखिए छः है, एफ वाई वाई ये 18 है, और ये दोनों का गुणनफल जो है और ये बराबर 0 है, तो ये अपने आप ही 0 हो गया, 18 छक्का ये हो गया 108 इज ग्रेटर देन 0, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारी ये शर्त भी पूरी हो गई जो मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए आवश्यक है, इसलिए जब एक्स का मान 1 होगा और वाई का मान 3 होगा वैसी स्थिति में हमारी द्वितीय शर्त पूरी हो रही है कि दोनों द्वितीय अवकलजों के मान शून्य से अधिक हैं, और जब ऐसा होता है तो फलन न्यूनतम होता है, और अगर ये तीसरी शर्त पूरी हो जाएगी तभी न्यूनतम माना जाएगा, और ये तीसरी शर्त भी यहाँ पूरी हो जा रही है क्योंकि इन दोनों का मान में से अगर ये घटाया जाए तो धनात्मक चिन्ह आना चाहिए, और हम उसको सीधे लिख रहे हैं कि अगर ये कम होगा या ज़्यादा होगा तो ये धनात्मक आएगा, तो ग्रेटर देन 0 108 है, इस नाते फलन इस बिंदु पर मिनिमम है, ये पहला पॉइंट। और अब अगर हम आगे फिर बढ़ें, कब, अब जब x का मान ये ले लें 1 है और y का मान -3 है, जब ये 1 है और ये -3 है तब देखिए ये एफ एक्स एक्स क्या होगा, ये होगा 6 गुणे एक्स, एक अभी 6 आएगा, लेकिन ये जो होगा एफ वाई वाई ये वाला 6 वाई की जगह पे -3 लिखेंगे तो ये -18 आ जाएगा, और हमारे उदाहरण हमारे जो विशेष वो शर्त है उस शर्त में ये है कि या तो दोनों मान धनात्मक हों, दोनों मान धनात्मक होंगे तो मिनिमम स्थिति होगी, दोनों मान ऋणात्मक होंगे तो मैक्सिमम स्थिति होगी, और एक धन और एक ऋण आ गया तो न तो मैक्सिमम होगा न तो मिनिमम होगा, ठीक, और ये शर्त सैडल पॉइंट के लिए जरूरी नहीं है, तो हम यही पता चल गया जब दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक नहीं आए तो न तो मिनिमम पॉइंट है और न तो मैक्सिमम पॉइंट है, ये पहले वाला कथा एक इस पर मिनिमम है, ये वहां लिखा रह गया था, ये मिनिमम है हम कर लिख ले रहे हैं, और अब की बार न तो मिनिमम होगा न तो मैक्सिमम होगा, तो अगर हम तीसरी शर्त देखें अगर इनका इनका गुणनफल इससे कम हो जाए तो सैडल पॉइंट हो जाएगा, तो अगर आप देखें कि ये मान कितना है एफ एक्स एक्स बराबर 6, एफ वाई वाई बराबर है 18, और ये बराबर है 0, ये देखिए इस ये 0 है और इसका स्क्वायर भी 0 ही होगा, सॉरी ये जो है ये इसका स्क्वायर है, ये शर्त है, तो इसका स्क्वायर भी 0 होगा, तो ऐसी स्थिति में ये देखिए ये शर्त पूरी हो गई, ये हो जाएगा मान 108 और ये है ग्रेटर देन 0 से कम है, और सैडल पॉइंट की ये शर्त है कि इन दोनों का गुणनफल ऋणात्मक अगर आ जाता है शून्य से कम आ जाता है तो वैसी स्थिति में जो है मान जो है ऋणात्मक इस स्थिति में
कि इसकी तुलना में ये मान कम हो जाए, मतलब और वैसे स्थिति में ये ऋणात्मक आया है, और अगर ये धनात्मक आता तो मैक्सिमा या मिनिमा होता, और अगर ऋणात्मक आया है तो ये सैडल पॉइंट बनेगा। तो ये सैडल पॉइंट बनेगा किस पर, जब एक्स के मान एक और वाई के मान माइनस तीन होंगे। तो ये देखिए ये सैडल पॉइंट हुआ इस पर, अब जरा आ जाइए तीसरे मान पर, जब एक्स का मान है माइनस तीन एक और वाई का मान है थ्री, और अब देखिए ये एफ एक्स एक्स का मान, ध्यान रखिएगा ये एफ एक्स एक्स है, ये एफ वाई वाई है, छह की जगह पर जब माइनस एक से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस सिक्स, और जब यहां पर सिक्स वाई में गुणा करेंगे एफ वाई वाई तो ये आएगा छह या अठारह, इसकी जगह तीन से गुणा करेंगे तो अट्ठारह आएगा। फिर अब की बार माइनस सिक्स और प्लस सिक्स एटीन आ गया, दोनों ऋणात्मक होना और दोनों धनात्मक होना जरूरी है, अगर दोनों ऋणात्मक है तो मान अधिकतम होगा, अगर दोनों धनात्मक है तो मान न्यूनतम होगा, और अगर एक धन और एक ऋण है तो जैसे इसके पहले आया था वैसे न तो मान धनात्मक होगा न तो ऋणात्मक होगा। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या सैडल पॉइंट है, हो सकता है कभी कभी सैडल पॉइंट भी नहीं आएगा अगर वो मान जो है दोनों का बराबर आ जाए तो। वैसे स्थिति में इस शर्त को फिर हम पूरा करें, और इस शर्त को देखिए यही शर्त है एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई, और ये है एफ एक्स वाई स्क्वायर, और ये लेस देन जीरो हो जाए, और अगर हम यहाँ गुणा करें तो 18 छक्का 108 फिर हो गया 108, और अगर इसको चेक करें तो शून्य एलजेब्रिक है ये, और ये देखिए ये हो गया, शून्य की तुलना में ये कम है। तो सैडल पॉइंट की शर्त पूरी हो रही है, और इस पर भी सैडल पॉइंट है, इस पर जब एक्स का मान है एक ऋण एक और वाई का मान है धन एक, ये भी सैडल पॉइंट है। और अब एक मान और रह गया चौथा कमी, और चौथा वो है कि एक्स का मान ऋण एक और वाई का मान ऋण तीन, ये देखिए ये है वाई बराबर ऋण तीन, और अब की बार लिखिए एफ एक्स एक्स, ये है एक्स माइनस एक से गुणा होगा माइनस सिक्स, ये है सिक्स वाई और माइनस से गुणा होगा तो एफ वाई वाई आएगी माइनस एटीन। अब की देखिए दोनों माइनस आ गया, जब दोनों माइनस आ गया तो इसका मतलब है कि अधिकतम की शर्त पूरी हो गई, दोनों धनात्मक आएंगे तो न्यूनतम, दोनों ऋणात्मक आएंगे तो अधिकतम, इसका मतलब इस पॉइंट पर अधिकतम की स्थिति हो सकती है बशर्ते ये तीसरी शर्त पूरी हो जाए, और तीसरी शर्त पूरी करने की स्थिति में जब हम देखेंगे तो कर सकते हैं गुणा दोनों का, इसका और इसका गुणा करेंगे, क्योंकि हमने कहा है ये एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई इज ग्रेटर देन एफ एक्स वाई स्क्वायर, और ये दोनों का गुणनफल आ गया है माइनस सिक्स इंटू माइनस एटीन, और ये जीरो है तो ये जीरो होगा, तो ये जाहिर है कि दोनों ऋण का धन का 108 हो जाएंगे ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे, और ये शर्त पूरी हो गई कि ये दोनों का गुणनफल जो है वो इधर वाले के गुणनफल से ज़्यादा है, और या इसको ऐसे कहते हैं कि अगर इसमें से इस राशि को घटा दें तो जो उत्तर आए शून्य से ज़्यादा आ जाए। तो इसी शर्त को ऐसे भी लिखा जाता है एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया इज ग्रेटर देन जीरो, बात वही है कि इनमें से ये घटाएंगे और शून्य से अधिक तभी आएगा जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो हमने सीधे यहाँ लिख दिया एफ एक्स एक्स एफ वाई ग्रेटर देन ये, और ये शर्त पूरी हो गई। तो ऐसी स्थिति में वो तीनों शर्तें पूरी हो गई जो अधिकतम के लिए आवश्यक हैं, पहला ये कि डी एफ एक्स बराबर जीरो हो और एफ वाई बराबर जीरो हो, ये तो ऑलरेडी हमने जीरो करके ही ये मान निकाले इतना के ऑलरेडी जीरो हैं। दूसरे ये कि एफ एक्स एक्स ये मान और एफ वाई वाई ये मान दोनों ऋणात्मक हो या दोनों धनात्मक हो, दोनों ऋणात्मक आ गए, दोनों ऋणात्मक होने पर अधिकतम होता है इतना के फलन इस पर अधिकतम होगा, बशर्ते ये तीसरी पर्याप्त शर्त पूरी हो जाए,
अब इस शर्त को भी हमने देखने का प्रयास किया तो ये पूरी हो गई, क्योंकि ये दोनों मान 108 हैं और इधर शून्य है और ये 108 से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर मैक्सिमम की स्थिति होगी। तो इस रूप में अगर हम देखें तो हम ये पाए हैं अब तक कि ये देखिए xy के मान हैं, ये हमारा फलन है, इस फलन में जब ये मान है 1 और 3 तो हमारा फलन है मिनिमम, और जब ये मान है 1 और -3 और जब ये मान -1 और 3 तो इस पर भी सैडल पॉइंट है और इस पर भी सैडल पॉइंट है, और जब ये मान है -1 और -3 तो इस पर मैक्सिमम है। एक बात यहां और आपको बता दें कि जब ये हम देखे सैडल पॉइंट बना रहे थे, ऐसे ऐसे काठी होती है जो लगती है ऊंट के ऊपर, ये ऐसे ऐसे और ऐसे फिर उठ जाती है और इधर जाके वो ऐसे होगी, तो ऐसे ऐसे करिए, मतलब ये समझिए इस तरह की है काठी। और हो सकता है अगर इस तरह की एक और स्थिति आवे ऐसे और फिर ऐसे जाके ऐसे बन जाए, तो एक सैडल पॉइंट यहां भी बनेगा और एक सैडल पॉइंट इस पॉइंट में बनेगा, ये तो दो सैडल पॉइंट बन जाएंगे, एक इस पर किसी को बैठा दो, इस पर बैठा दो, और ये काठी है ऊंट की, ये है सैडल, तो और इस सैडल के दो पॉइंट अगर बने इस प्रकार से, दो तरह से ये हो, तो दो सैडल पॉइंट बनेंगे हमारे इस फलन में, दो सैडल पॉइंट बन रहे हैं, और वो इस तरह से हम केवल आपको ये दिखा रहे हैं कि ऐसे बनेगा, ऐसा न मानिएगा कि जो फंक्शन दिए जाएंगे उसमें केवल एक ही सैडल पॉइंट बनेगा, तो इस तरह से एक सैडल पॉइंट बनेगा, एक न्यूनतम स्थिति बनेगी, एक अधिकतम स्थिति बनेगी, और इस तरह से हम फलनों के जो दो चर वाले होते हैं उनके सैडल पॉइंट ज्ञात करते हैं। एक बार हम आपको फिर रिमाइंड कर देते हैं, ये देखिए जब डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स होता है, इसको हम लिखते हैं एक्स एफ एक्स, जब डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई होता है तो हम इसको लिखते हैं एफ वाई, इसका मतलब एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन किया गया, वाई के सापेक्ष एक बार अवकलन किया गया। जब हम इसको एक बार फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डेल्टा एक्स स्क्वायर कर देते हैं, और इसी को हम कहते हैं एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन किया एक बार फिर किया, ये लिखना आसान होता है। ऐसे ये है डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, इसको हम कहते हैं एक बार वाई के सापेक्ष अवकलन किया एक बार फिर किया, और एक और होता है द्वितीय अवकलन कि हम जेड का पहली बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करें अगली बार वाई के सापेक्ष अवकलन करें, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं पहली बार y के सापेक्ष करें फिर x के सापेक्ष करें, और इसको फिर इस तरह से एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स, ये दोनों सदैव बराबर होते हैं, तो हम द्वितीय अवकलजों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं जहाँ जैसे मैं इसलिए लिख रहा था कि ऐसे लिखने में जल्दी हो गई हमको, इस नाते जहाँ जहाँ ये लिखे हुए थे वहाँ हम आपको बता दिए, और अब आपको फिर एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं कि पहले हमको दोनों आंशिक अवकलनों को शून्य करना होगा, तो हम डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई निकालेंगे, जो आएगा उनका मान शून्य कर देंगे जैसे यहाँ किया है, और जब शून्य मान कर देंगे तो एक्स के मान निकल जाएंगे। जनरली ऐसी स्थिति में जहाँ मैक्सिमम मिनिमम और सैडल पॉइंट सब होंगे दो दो मान आएंगे, तो जो उन मानों पर हम एक एक्स एक वाई का मान देख करके कई जोड़े जितने बनेंगे बना लेंगे, जैसे चार बने थे हमने बता दिए कि जब एक्स और मतलब एफ एक्स और एफ वाई के मान को जब हमने शून्य किए तो वाई और एक्स के जो हमको युग में मिले कॉम्बिनेशन वो चार तरह से बन सकते हैं। चारों कॉम्बिनेशन पर हमने जो हमारी क्राइटेरिया है मैक्सिमा की मिनिमा की या सैडल पॉइंट की, उनको हमने उन शर्तों को लागू किया, और वो शर्तें क्या थी, वही थी कि द्वितीय अवकलज के मान निकालिए, द्वितीय अवकलज के मान निकालिए दोनों मान धनात्मक तो न्यूनतम बिंदु, दोनों मान ऋणात्मक तो अधिकतम बिंदु, बशर्ते तीसरी शर्त पूरी हो। और तीसरी शर्त ये थी कि एफ एक्स एक्स
इंटू एफ वाई वाई, और ये थी एफ एक्स वाई, इसका स्क्वायर और ये दोनों का गुणनफल, ये ज़्यादा हूँ, ये अधिकतम न्यूनतम दोनों के लिए जरूरी है। तो जो डिफरेंस है अधिकतम और न्यूनतम में, वो केवल बीच वाली शर्त की है, जहाँ अगर ये दोनों मान एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई अगर ये दोनों ग्रेटर देन जीरो हों तो फलन न्यूनतम, और अगर ये दोनों लेस देन जीरो हों तो फलन न्यून अधिकतम। तो दोनों उल्टा है, जीरो से अधिक होगा तो मिनिमा और जीरो से कम होगा तो मैक्सिमा, ये दोनों खाली अंतर है। और पहली शर्त और तीसरी शर्त दोनों में बराबर एक है, और सैडल पॉइंट के लिए पहली शर्त तो आवश्यक है, लेकिन ये बीच वाली शर्त जो है, ये वाली जो लगाए थे कि दोनों का मान धनात्मक दोनों का मान ऋणात्मक, वो उसके लिए जरूरी नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरी शर्त में अगर ये मान ग्रेटर देन जीरो है ये वाला, तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा, अगर लेस देन जीरो है तो सैडल पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से हम सैडल पॉइंट को और मैक्सिमा को और मिनिमा को दो चरों वाले फलनों में प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमने इतने समय में जो कुछ संभव था हमने आपको बताया, और जिस जो हमारे शर्तें हैं वो बता दी, और एक सवाल को भी हमने पूरी तरह से लगा दिया, जिसमें सैडल पॉइंट भी आ गया, न्यूनतम भी आ गया, अधिकतम भी आ गया, और कैसे हम हल करते हैं ये भी सारा आपको बता दिया। तो अब आप इस स्थिति में हैं, और अपनी पुस्तकों से या जहाँ कहीं से ये सवाल आपको मिले उसे आप लगा सकते हैं, और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, और जैसे लग गया तैसे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर चाहे जो सवाल हो हम लगा लेंगे। पहले आसान सवाल लगाइएगा, जब आने लगे तो धीरे 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 उससे और कठिन सवालों को हम लोग लगा सकते हैं। हमें मौका मिलेगा तो हम और सवालों के साथ आपके समक्ष आएंगे, और आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और किसी नए विषय के साथ। आप सभी को एक हमारी शुभकामनाएं, और बेहतर ढंग से आप पढ़ें, और मेरा जहां तक प्रयास है मैं जो कुछ कर सकता हूं और जितने सरलतम रूप में मैं आपको बता सकता हूं वो प्रयास मैं करूंगा। इन्हीं के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करना, धन्यवाद।